नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले सभी वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी देता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने जो ये स्पेशली जो वीडियो बनाई है, वैसे तो आपने थंबनेल देख के आपने समझ ही गए होंगे इसमें क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आज गाड़ी के टायर साइज़ के बारे में बताया है क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। मैं ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से 14 से 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आज इस वीडियो में मैंने टायर साइज़ की कोडिंग के ऊपर, जो आप देखा होगा कई बार टायर्स के ऊपर कुछ कोडिंग लिखी होती है, मैनुफैक्चरिंग डेट वगैरह लिखी होती है, तो आज स्पेशली सिर्फ मैंने गाड़ी की जो टायर की साइज़ की जो कोडिंग लिखी हुई है वही मैंने बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन के पास आपको एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, घंटी वाला बटन, आप उस पर भी क्लिक करें जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये कोड लिखा हुआ है इसमें। आप ये जो इसमें देख रहे हैं कि 165/80R1485S, इन सब का क्या मतलब होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब होता है। ये आप जो वह देख रहे हैं 165 का मतलब होता है जो ये टायर की जो चौड़ाई है यहाँ से लेके उस कोने तक, ये जो चौड़ाई है जो ज़मीन पे सड़क पे जो हिस्सा जो टच होके चलता है सड़क पे, उसकी जो साइज़ है ये 165 mm में कैलकुलेशन होता है। इसको आप जरूर ध्यान रखिए, 165 मतलब इसकी जो टायर की जो वेड्थ है, चौड़ाई है, जो ज़मीन पे जो हिस्सा टच होता है वो 165, और ये mm में कैलकुलेट होता है, मतलब 165 mm। इसके बाद आप ये देखते हैं बाय 80 का मतलब होता है जो 165 जो टायर का जो चौड़ाई है, वेट है, उसका परसेंटेज है ये 80%। आप अगर इसको कैलकुलेशन करोगे 165 बाय 80 को, अगर आप 165 का अगर आप 80% निकालोगे, जो भी इसका जो भी कैलकुलेशन जो भी निकल के आएगा वो इसका साइज़ का ये वो इंच में वो जो परसेंटेज है सॉरी जो इसका परसेंट आएगा वो इस चौड़ाई की जो ये चौड़ाई है इसकी वेट की यहाँ से लेके इस कोने तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ रहे, यहाँ से इस कोने तक ये इसकी 80 जो भी इसका परसेंटेज आएगा, समझ रहे, वेट का वो इसका ये कैलकुलेशन होगा। ठीक है, वो mm का वो कैलकुलेशन होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि लिखा है R, मतलब ये टायर रेडियल टायर है। R का मतलब होता है रेडियल टायर, ये टायर रेडियल है। इसमें और भी अलग अलग तरह के आते हैं, किसी में डी लिखा होता है वो डायग्नोसिस टायर होता है, किसी में कुछ नहीं लिखा होता है वो प्लाई टायर होता है। ठीक है, तो ये रेडियल टायर है, मोस्टली गाड़ियों में रेडियल टायर ही आते हैं। फिर ये देख रहे हैं R14 मतलब ये जो रिम की साइज़ है, अलॉय व्हील्स हो या फिर आपकी ये जो रिम होती है ये हो, इसकी 40 ये इंचज़ है, ये इंच में काउंट होता है, मतलब ये रिम की साइज़ जो है 14 इंच की रिम है। ठीक है, इस इंच के टायर में ही ये टायर लगेगा, तो कैलकुलेशन आपकी यही रहेगी, समझ रहे बात को, ये 14 इंच का रिम साइज़ है, समझ रहे। इसके आगे आप देख रहे होंगे ये 85 जो आप देख रहे हैं, 85 जो देख रहे हैं ये 85 होता है इस गाड़ी के जो 85 जो है ये गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी को बताता है कि ये कितना लोड उठा सकता है। इसका भी पर्टिकुलर चार्ट आता है, आप अगर कोई भी बहुत सी वेबसाइट है आप उसको जाकर देख सकते हैं, 85 में इसके हिसाब से चार्ट बना हुआ होता है वो कि गाड़ी कितना वजन उठा सकती है, ये उसका ये मतलब होता है। इसके आगे आप देख रहे हैं एस मतलब ये गाड़ी की कितनी स्पीड, ये टायर है कितनी स्पीड में ये टायर उसका सपोर्ट कर सकते हैं, हाई स्पीड मैक्सिमम कितना हाई स्पीड में इसका सपोर्ट कर सकते हैं, उसका मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है, आप समझ गए होंगे, 165 मतलब गाड़ी की वेट कितनी है टायर साइज़ की, 80 मतलब इसका जो 165 का जो 80% निकालो जो परसेंट आएगा उस गाड़ी का, मतलब इसका ये चौड़ाई जो ये हिस्सा देख रहे हैं ये इसकी साइज़ हो गई। फिर आप देख रहे हैं R मतलब रेडियल टायर है, 14 मतलब ये अलॉय व्हील्स या रिम जो भी है ये 14 इंचेस का ये रिम है, इसके ऊपर ये टायर लगा जाएगा। 85 जो है गाड़ी की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो दर्शाता है, और जो भी यह कोड लिखा होगा वो गाड़ी की स्पीड को कैलकुलेट करता है कि गाड़ी कितने ये टायर कितने स्पीड पे इसको गाड़ी को स्पीड को सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझ गया होगा आपको वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, इस चीज़ को आप जानकारी आगे भी आप लोग दोस्तों को शेयर करें। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अब भी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक प्लीज़ सेफ ड्राइव और जय हिंद।